नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोग के साथ जो रेसिपी लाए हैं वो रेसिपी है प्रॉन मछली की। तो बस इसे कुछ नहीं करना है, ये बिग बास्केट से हम मंगवाए थे। इसको बस सिंपल सा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। ऐसे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी इसको 2-3 बार धुल लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें कुछ सूखा मसाला डालेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई कर देंगे। तो सूखा मसाला में हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, बस यही मसाला जाएगा। थोड़ा थोड़ा जितना क्वांटिटी में हो उसी हिसाब से बिल्कुल थोड़ा 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 डाल करके हम इसको मैरिनेट कर लिए हैं 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने से ये बिल्कुल क्रिस्पी बनता है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम उसको अच्छी तरीके से सारे मसाले डाल करके और मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद फिर हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल डालेंगे। और थोड़ा सा तेल डाल करके उसमें थोड़ा थोड़ा मछली डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। तो हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे और इसको डिप करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद फिर हम तेल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है और ये तेल मेरा गर्म हुआ, इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे और फिर खाएंगे। तो ये मछली आप चाहे तो स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, इतना मस्त बनता है। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है, जो कि हम चेक कर लिए हैं, क्योंकि मछली जब भी पड़ता है एकदम ओवर हीट में पड़ता है, हल्का हीट में नहीं पड़ता है। हल्का हीट में पड़ने से वो चिपक जाता है नीचे तल में। तो ये देखिए मछली एक एक कर करके हम डाल दे रहे हैं। मसाला में डीप होने के बाद मछली का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इसको इसी तरीके से हम सबको चारों तरफ फैला करके डालेंगे। इसको अलट पलट करके हम अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले मेरे चैनल को। तो ये प्रॉन मछली बिल्कुल फ्राई होकर के लगभग रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी तल करके रेडी हो गया है, देखिए। अब मौसम सर्दी का है तो ये सब रेसिपी तो बहुत मज़ेदार लगता है। क्रिस्पी स्नैक्स अगर चिकन मटन का हो तो फिर क्या कहना है घर पे। तो ये स्नैक्स की तरह यूज करने के लिए बहुत ही मस्त रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी एकदम बन करके रेडी हुआ है, कितना लजीज एकदम। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल।